आज आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक अनोखी कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां के हर घर पे लगा है घर बिकाऊ का पेस्ट। दरअसल हापुड़ में दलितों की बस्ती में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। करीब 100 दलित परिवारों ने मोहल्ले में सड़क, पानी, पेयजल व अन्य सुविधा नहीं होने के कारण अपने अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। दलितों की बस्ती में कहने को तो सरकारी नल लगा हुआ है, लेकिन उसमें ना तो पानी आता है और ना ही हत्ती लगी हुई है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब स्थानीय लोगों की कोई सुविधा नहीं मिली तो उन्होंने अपने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। हाँ, देशनगर कॉलोनी पोस्टर लगाए हुए। क्या पोस्टर है, क्यों लगाए हुए? नू लगाए हुए हैं, यहाँ खडुंजे लगने चाहिए। अब गरीबों के वो कहना होना चाहिए बेचारों का। यहाँ बारिश हो गए, रपट रपट गिरे हैं, पानी भर जाओ, आप दाप को लड़ाई हो गए। क्या समस्या है, क्या पोस्टर लगाए? ये समस्या पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं, ये मकान दुकान जो ये बेके जा रहे हैं, इसलिए बेके जा रहे हैं कि हमारा नाली खरंजों का बहुत लंबा 3 साल से मट्टी डली हुई है और जो है नाली खरंजे हमारे यहाँ बन नहीं रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी समस्या है, पानी भर जाता है, बारिश बढ़ते ही देखो इधर खड्डा दुनिया भर का पानी भर जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ के जो सुंदर सभासद हैं वो हमारे यहाँ देखते नहीं हैं, सब लोगों को सपोर्ट देते हैं, वो अपने अपने इधर कार्य करवा देते हैं, दवाई उधर छिड़कवाते हैं, सारी चीज़ उधर छिड़कवाते हैं, इधर कुछ नहीं छिड़कवाते। वो मच्छर परेशान करते हैं इधर। तो कितने मकान हैं ऐसे जिन पर ऐसे कुछ 100 के आसपास मकान हैं जो नीचे आ रहे हैं गड्ढे हुए, इस उसकी परेशानी है सबकी। तो सब क्या पोस्टर लगाएंगे? ये इसलिए पोस्टर लगाए गए या तो ये हमारे मकान बिक जाएँ, इसलिए सब परेशान हैं लोग। इसमें अधिकारी यहाँ आते हैं? अधिकारी कोई नहीं आता, यहाँ कोई देखने नहीं आता। मेरा नाम रामबुल सिंह है जी। अमल जी, कौन सी बस्ती है ये और क्या मामला है? ये आदर्श नगर कॉलोनी दस्तर रोड गली नंबर 4 के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 का क्षेत्र है। यू क्षेत्र आज तक किसी भी काम की कोई विकास नहीं हुआ। ये सन 2005 से बसा हुआ है और इसमें उस दिन से आज तक ही समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ना कोई नगर पालिका, हम बार बार नगर पालिका में एप्लीकेशन दे दे के थक चुके और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। कई बार की एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव कॉपी हैं और हमने कई बार भूख हड़ताल पर धरना भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे कॉलोनी के विकास के लिए किसी ने भी कोई भी उम्मीद नहीं करी। अब ये पोस्टर लगाएं, क्या पोस्टर ऊपर? अब हमें ये उम्मीद इसलिए लगाए हैं ताकि हम यहाँ से निकल जाएँ और नहीं तो हमारी कॉलोनी का समाधान करा जाए। तो क्या पोस्टर लगाए हैं, कितने घरों का ये? करीबन ये 80-90 मकान हैं जो अपने अपने बेच के जाने को तैयार हैं। नगर पालिका की अनदेखी के कारण ना यहाँ कूड़ा उठता है, ना समय पर पानी आता है और ना पानी का गंदा पानी लैटरिंगों का घरों का जो होता है वो भी निकासी नहीं है। बरसात में तो बिल्कुल निकलता ही नहीं है कहीं भी और सब पानी ही जमा हो जाता है। इसलिए हमें नगर पालिका से शिकायत है, अब हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए और हमें यहाँ बसाया जाए। दलितों की बस्ती है? हाँ जी, ये दलितों की बस्ती है और अदर कास्ट एक दो ही आदमी हैं यहाँ, बाकी सब दलितों की बस्ती है। वहाँ पर मैं नगर पालिका की टीम भ्रमण के लिए गए थे तो वहाँ पर जो समस्या है ग्रामीणों जो निवासियों की समस्या है, बेसिकली रोड की समस्या थी, पानी की समस्या थी। पानी वहाँ पाइपलाइन तो बिछी हुई है पर कुछ घरों में पानी नहीं आ रहा था। इसके लिए नगर पालिका से कह दिया गया है कि सारे घरों में सर्वे करा के पानी का अगर प्रेशर कम है उसको ठीक कराएं, कहीं से लीकेज है उसको भी सही करा के सारे घरों में पानी पहुँचाना सुनिश्चित करें। सड़क के लिए कह दिया गया है कि सारे जो मोहल्ले का सर्वे करा लें, उसका सर्वे करा के उसका एस्टिमेट बनवा के उसका आगे फिर नियमानुसार रोड जल्दी से जल्दी रोड बनवाना सुनिश्चित करें। पोस्टर बेसिकली लोगों ने लगाए थे इसलिए कि वहाँ कोई उनके द्वारा बताया गया कि नगर पालिका के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पोस्टर लगाए गए हैं। बाकी कोई इसमें सांप्रदायिक या कोई और इशू नहीं है, केवल बस रोड और पानी की समस्या थी लोगों की और कोई भी कारण नहीं था। अपने मकान मत बनाइए, ना गरंजे लगवा लो।